We are going to discuss a chapter that is straight line. तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सारी वेरियस इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर हमारा, ठीक है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारे पास बेसिक चैप्टर है कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम के बाद में आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपका एक टॉपिक हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर आपका आ जाएगा पैराबोला, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इलिप्स, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा हाइपरबोला। तो ये सारे चैप्टर हैं, ठीक है, जो वन बाय वन करके हमारे उसमें आएंगे, ठीक है। तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ है आज वो हमारा चैप्टर कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं तो वेटेज वाइज अगर बात करें तो एनडीए में कम से कम थ्री टू फोर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे होंगे, ठीक है। एयरफोर्स में 1 to 2 क्वेश्चन है, डबल एसएसआर में भी 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, उनको बहुत ध्यान से समझना है। जो भी अगर आपके पास डाउट रहते हैं तो नेक्स्ट आप जो लाइव क्लास होगी उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो अगर हम प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो मेरे पास अभी ये हार्ड कॉपी है, ठीक है। आप इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप इसमें जो वीडियो आपका आएगा उसमें लिंक है, ठीक है, आप उस लिंक में जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा तो आप बाहर जाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं या आप अपने फ़ोन में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो उसमें डाउट्स आएंगे तो डाउट्स के लिए हम अपना आप मेल कर सकते हैं, जो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हिस्टोरिका विजन की है वहाँ पे जाकर मेल कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो सीट को आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर हमारा क्या है आज का, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट हमको पता है तो स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक डेफिनेशन जो हमेशा हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर हम दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट पी हो गया और एक पॉइंट हमारा क्यू हो गया, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। अब इसके बीच में कोई भी एक अदर पॉइंट सपोज दैट ओ है, ठीक है। अब ये ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, तो इस ओ पॉइंट का जो लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब किन्हीं भी दो निश्चित बिंदुओं के बीच का जो बिंदुपथ होता है उसे हम सरल रेखा कहते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, लेकिन इसमें हमें समझने वाली बात यह कि हो सकता है कि वो लोकस कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, जो थोड़ा कि ये पाथ हमेशा स्ट्रेट ही रहे, ठीक है। ये पाथ ऐसे भी हो सकता है, ये पाथ ऐसे जिगजैग मोशन में भी हो सकता है, ऐसे कर्व के फॉर्म में ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये आ रही कि कौन सा पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, क्या सारे पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर ये सारे पाथ ही हमारे स्ट्रेट लाइन होते तो फिर कर्व और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या रह गया, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए एक नया इसमें कंसेप्ट मर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं कि अगर सपोज दैट कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट हैं हमारे पास, सपोज दैट दिस इज ए और ये हो गया हमारे पास दिस इज बी, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एक अदर पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, देन वी विल से द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, ठीक है, विच मूव्स बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, सच दैट एट एवरी सिचुएशन या एट एवरी प्लेस, ठीक है, बिटवीन द पाथ, मतलब पाथ के मतलब जितने भी यहाँ पर बीच में पॉइंट हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे और एक्स एक्सिस के साथ में उसका एंगल देखेंगे, ये एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल देखेंगे, तो ये सारे एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये सारे एंगल सेम है, ठीक है, देन वी विल से कि दिस पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एंगल सेम है मीन ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो डेफिनेटली हम अदर मैथ के लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि इसकी स्लोप सेम है, कैसे में स्लोप, मतलब इसकी प्रवणता जो है वो हमेशा पाथ के हर एक पॉइंट पर, रास्ते के बिंदुपथ के हर एक पॉइंट पर जो इसका स्लोप है वो हमेशा फिक्स्ड है। तो अगर स्लोप फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये है कि जो पाथ बनेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बात समझ आ गई। तो ये हो गया कंसेप्ट किसका, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन का। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज जो समझनी है, ये पाथ होता है, ठीक है, किन्हीं भी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में पाथ है, और पाथ जो है पाथ के हर एक पॉइंट की जो स्लोप होगी एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, वो हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगी, कितनी बार समझ आ गई। और अगर वो पाथ हमारे पास फिक्स्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्लियर है।
अच्छा इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि तीन पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 1.1 है, 2.3 है, ठीक है, -1.5 है, ठीक है, -1.k है, क्या है, -1.k। अब ये तीनों पॉइंट जो है हमारे ये कोलिनियर है, ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी k की वैल्यू क्या आएगी। तो जो हम एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, हम इनसे बनने वाले एक ट्रायंगल निकालेंगे, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इक्वल जीरो है, देन वी विल से कि एबीसी हमारे कोलिनियर है, है ना। फिर 1/2 x1 जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2, इस फॉर्मूले के यूज करेंगे और इसको जीरो करेंगे, है ना। तो यहां से हमको k की वैल्यू मिलेगी, क्लियर है। तो अब ये जो फॉर्मूला था ये तुम्हारा बेसिक हो गया, यहां पर हम ना स्लोप को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब हम स्लोप की हेल्प से भी यहां पर कोलिनियरिटी को प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास तीन पॉइंट है और वो तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो डेफिनेटली वो एक जो बनाएंगे पाथ वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, है ना। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, तो अगर ये तीनों कोलिनियर है बेटा, तो इस सेगमेंट और इस सेगमेंट, ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे जब, तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो डेफिनेटली इस सेगमेंट और इस सेगमेंट की जो स्लोप होगी वो हमेशा बराबर होगी, है ना। सो दैट वी कैन से दैट स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। अब ये पॉइंट हमारे पास था 1.1, ये था हमारे पास 2.3 एंड दिस इज -1.1k, ठीक है। तो हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला, है ना, तो y2 - y1 सो 3 - 1, है ना, अपॉन में x2 - x1 सो 2 - 1, कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्लोप ऑफ हमने निकाला बी सी, तो क्या हो जाएगा, x2 y2 - y1 सो k - 3 अपॉन -1 - 2 सो -1 - 2, ठीक है, ये आ गया k - 3 / -3, ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई, ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो डेफिनेटली इस पार्ट और इस पार्ट की स्लोप अगर सेम होगी तभी तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा था कि पाथ के हर एक पॉइंट पर जो स्लोप होगी हमेशा कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। तो या सॉरी, यहां पर हमने क्या किया, k - 3 / -3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, सो k - 3 will be - of 6, सो k विल बी -6 + 3 सो -of 3, तो k की वैल्यू आ गई। तो k की इस वैल्यू के लिए सारे पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्लोप को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसका है, स्ट्रेट लाइन का ही है, कि स्ट्रेट लाइन जो है वो किन्हीं भी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का लोकस है, ठीक है, और वो इस टाइप का लोकस है कि पाथ के हर एक पॉइंट की जो स्लोप होगी दैट विल बी कॉन्स्टेंट, दैट विल बी फिक्स्ड। बात समझ आ गई, चलिए। तो ये तो हो गया कि डेफिनेशन क्या होती है और उससे जो रिलेटेड कुछ टर्म्स थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्लोप, ठीक है। ये हमारी पूरी समझो कि जितना भी स्टेट हम पढ़ेंगे तो स्लोप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो स्लोप क्या होती है पहले तो वो समझना है। तो स्लोप है ना, अगर स्लोप के बारे में बात करते हैं, देन वी विल से कि सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये कोई हमारे पास अनदर लाइन है, ये हो गई L1 एंड L2 लाइन, ठीक है। अब इसने जो एंगल सब्सटेंड किया वो सपोज दैट फाई सब्सटेंड किया, है ना, तो यहां पर जो टेन फाई आएगा दैट विल बी स्लोप, ठीक है। अब यहां पर जो डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि कोई भी लाइन जो है तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी, ठीक है, वो एंगल का जो टेंजेंट आएगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। द टेंजेंट ऑफ द एंगल सब्सटेंडेड विद द एक्स एक्सिस बाय द लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि ये जो फाई है, ये जो एंगल है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर जो हम एंगल लेंगे ये हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना और स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी इस चीज को समझाएंगे ये कैसे यहां पर एप्लीकेबल है, कैसे काम करेगा, ठीक है, आगे समझेंगे। बस ध्यान रखना है कि एंगल जो लेंगे किसके साथ में लेना बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
कि आप ऐसे ले लो कोई लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो जो एंगल इसका स्लोप के लिए कैलकुलेट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वो ये वाला करेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल कंसीडर होगा वो ये वाला कंसीडर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि सपोज दैट आप ऐसे समझो कि अगर हम tan x की बात करते हैं ना, तो tan x का जो ग्राफ है, ठीक है, तो tan x का जो ग्राफ बनेगा tan x, ठीक है, तो tan x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जाएगी, वर्टिकल लाइन जाएगी, ठीक है, दिस विल बी पाई बाई टू, और फिर एक नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है हमारे पास पाई, ये होता है पाई बाई टू, ये होता है जीरो। तो देखेंगे जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में जैसे जैसे एंगल हमारा है तो टैन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट पाई बाई टू से पाई के बीच में हमारा टैन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, हम जब स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो जो एंगल लेंगे अगर वो हमारे पास एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है, ठीक है, तो स्लोप हमारी जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस है तो जो हमारे पास स्लोप होगी वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव रहेगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर जब भी स्लोप एंड इंटरसेप्टिंग फॉर्म निकालेंगे लाइन का तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो एक्यूट है तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव, एंगल ऑब्ट्यूस है तो स्लोप कैसी होगी, निगेटिव। चलिए अब आगे आते हैं, स्लोप के सारे फॉर्मूले यहाँ पर वन बाई वन करके करेंगे कि कितने तरीके से हम किसी भी लाइन की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया एम इक्वल टू टैन फाइव, अगर हमारे पास कोई एंगल गिवन है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, m equal tan phi, ठीक है। दूसरा स्लोप निकालने के m equal फॉर्मूला लगाते हैं y2 y1 upon में x2 x1, ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास क्या होती है दो पॉइंट गिवन होते हैं, एक पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट ये हो गया x1 y1 and this is x2 comma y2, तो इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो m equal to minus a upon में b, ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास एक कोई लाइन गिवन हो ax plus by plus c equal 0, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो माइनस का a अपॉन b हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ कंसेप्ट क्या है कि कोई भी एक लाइन गिवन है, ठीक है, लाइन है सपोज दैट ax plus by plus c equal 0, ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा a plus b into dy by dx plus 0 equals to 0, so dy by dx equals to क्या हो जाएगा, माइनस का a अपॉन में b, माइनस का a अपॉन b। तो अगर किसी भी लाइन को हम डिफरेंशिएट भी कर देते हैं तो उसकी डायरेक्ट हमें स्लोप कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, इसी पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे तो कर्व में हम क्या करते थे, एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव का पार्ट है, कोई भी कर्व है तो इस कर्व की में इनफाइनाइट स्लोप होती है, ठीक है, और सारी की सारी स्लोप जो होती है डिफरेंट होती है, बट लाइन में क्या होता है, लाइन में स्लोप जो जितनी भी होंगी तो इनफाइनाइट स्लोप कह सकते हो बट सारी की सारी सेम होंगी, ठीक है। अगर हम कर्व में इस पॉइंट की स्लोप निकाले, इस पॉइंट की स्लोप निकाले, इस पॉइंट की स्लोप निकाले, तो तीनों कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगी, बट लाइन में क्या है, तीनों पॉइंट की स्लोप हमेशा सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी जब कर्व में डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप मिलती है, लेकिन हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट पुट करना होता है कि भाई इस कर्व के इस पॉइंट की स्लोप है, तो इसलिए हमें पॉइंट पुट करना है, बट लाइन में क्या सेंस है, लाइन में तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस भी पॉइंट की हम स्लोप निकालेंगे वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, अदर पॉइंट के स्लोप के बराबर हो जाएगी, तो वो पूरी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है, लेकिन कर्व में क्या है, कर्व में हर एक पॉइंट की स्लोप अलग अलग होती है, क्लियर है। तो इन दोनों बातों को यहाँ पे समझना है, तो चार फॉर्मूले हो गए हमारे पास कि हमें स्लोप कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट केस थे, ठीक है। जब ये गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, एंगल गिवन है तो एम इक्वल टेन फाइव लगाएंगे, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है तो एम इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक लाइन गिवन है तो माइनस ए अपॉन बी कर देंगे या फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है माइंड में आता हो कि जैसे हमने सर m equal tan phi लिया हुआ है तो यहाँ पर हम sin cos भी ले सकते थे, है ना, मतलब sin cos क्यों नहीं लिया गया, कोई इसके पीछे क्या लॉजिक था कि m equal tan phi ही फॉर्मूला बना। तो ध्यान रखो कि अगर किसी भी पॉइंट की हमको लोकेशन बतानी है, ठीक है, मतलब हमें कोई भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा दो डिस्टेंस चाहिए होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक होती है वर्टिकल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी और लंबिक दूरी। मतलब अगर सपोज हमारे पास ये x है, ये y है, x है, ये हमारे पास अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला a कॉमा b, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी a एंड वर्टिकल डिस्टेंस विल बी v, और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब जब दो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के हमें सिर्फ दो ही चीजों की नीड है, ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन से, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसलिए यहाँ पर जो हम रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है हमारे पास tan, so tan phi equals to slope,
ठीक है, कुछ लोग बोले कॉट तो कॉट ले सकते हैं, बट वहां पे वन अपॉन एम हो जाएगा। बात समझ आ गई, कोई डाउट है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं वेरियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हमें कैसे समझना है, वेरियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहली जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। क्या होता है जनरल फॉर्म लाइन का? वो होता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, एबीसी कैसे होने चाहिए? मस्ट बी रियल। ठीक है, तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, अगर मैं यहां पर बोलूं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कितना होगा, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाय द लाइन AX + BY + C बराबर 0 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा y बराबर 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? y बराबर 0। तो ये हो जाएगा 0, तो यहां से x इक्वल आ जाएगा माइनस का c अपॉन b, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, सो यहां पर हमने मॉड लगा दिया, तो c अपॉन में a। सिमिलरली y एक्सिस पर जो लेंथ आएगा वो हो जाएगा माइनस का c अपॉन में b, और फिर मॉड लगा दिया डिस्टेंस की वजह से, तो ये हो जाएगा c अपॉन में b। क्लियर है? अच्छा, तो ये बातें ध्यान रखनी है, किसी भी लाइन के थ्रू अगर हमें बोला जाए कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे? y बराबर 0 कर देंगे। सिमिलरली अगर x पर पूछ y पर पूछ रहा है, तो आप x बराबर 0 कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, जिसमें से जो वेरियस इक्वेशन का, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है स्लोप इंटरसेप्टिंग फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्टिंग फॉर्म क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्टिंग फॉर्म, तो अगर हम बात करें स्लोप इंटरसेप्टिंग फॉर्म की, तो इसको हम बोलते हैं y = mx + c। y = mx + c, m क्या है यहां पर? m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, मतलब x अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की, सॉरी y एक्सिस है ना, y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की लंबाई क्या होती है? c होती है। चलिए, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई? y, और ये हमारे पास हो गया x। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। अब सपोज दैट कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हो सकता है ये लाइन ऐसे पास हो रही हो सेकंड क्वाड्रेंट से, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट से, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से, कैसे ही पास हो सकती है। दिस इज लाइन L1, L1 डैश, सॉरी L1, L1 डैश, दिस इज L2, L2 डैश, L3, L3 डैश, L4 डैश एंड L4। ठीक है, ये चार लाइन है हमारे पास, ये आपका ओरिजिन हो गया 0, 0। अच्छा, अब यहां पर देखो, इन्होंने x एक्सिस के साथ में जो हमें स्लोप, क्योंकि हमें इसकी चेक करनी है कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो देखो यहां से हमने देखा L1 के लिए जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। क्लियर, L2 लाइन का जो एंगल हम यहां पर कंसीडर करेंगे वो ये वाला होगा, L3 लाइन का जो एंगल होगा वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, और L4 लाइन का जो एंगल होगा वो ये वाला। क्लियर, चलो नाउ अब देखो यहां पर जो L1 लाइन है उसने y एक्सिस पर ये वाला इंटरसेप्ट कट किया है। ठीक है, वो की जो कि पॉजिटिव है, सेम L2 का भी पॉजिटिव है, L3 का नीचे साइड में जा रहा है, और L4 का भी नीचे साइड में जा रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी, y इक्वल इसका स्लोप कैसा होगा, क्योंकि एंगल जो है वो कैसा है, ऑब्ट्यूस है, 90 से ज्यादा है, अधिक कोण है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, तो माइनस mx, और c पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की ओर कट हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन बन गई y = - mx + c। सेकंड में आते हैं, अगर इसकी इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, y = mx + c, क्योंकि इसका m भी पॉजिटिव, क्योंकि एंगल पॉजिटिव एक्यूट है, और c तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। यहां थर्ड l3 के लिए देखो, यहां पर जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, और जो c है वो भी नीचे की ओर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, y = minus of mx minus of c, और इसकी इक्वेशन बेटा बन जाएगी y = m पॉजिटिव mx minus of c। तो ये y पर mx + c के चार फॉर्म हो गए। ठीक है, इन सारे फॉर्म को समझ लेना है कि अगर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट से लाइन जाएगी, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, दोनों नेगेटिव तो थर्ड से, बट अगर स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव तो फोर्थ से। क्लियर है, आइए समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर इसी में मैं ये बोलूं कि हमारे पास इंटरसेप्टिंग फॉर्म तो हमारे पास आ गया बेटा y = mx + c। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा हो जाए कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाए जीरो,
लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे ही हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस जीरो होगा तो ये c वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या हो जाएगी, y = mx, ठीक है, क्या हो जाएगी y = mx। अब इस बात को थोड़ा समझना है यहां पे। अब ये जो y = mx लाइन है ये कहां से पास होगी हमेशा, अगर इंटरसेप्ट जीरो तो डेफिनेटली पास विल पास फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी, y = mx, ठीक है, y = mx, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास y डैश। अच्छा, ये लाइन ऐसे ही पास हो सकती है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, बट इसका जो स्लोप है वो एंगल देखो इसका एक्यूट है और इसका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। तो इसकी इक्वेशन आएगी y = - ऑफ mx + mx और इसकी हो जाएगी y = - ऑफ mx, है ना। सिमिलरली अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो x दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल सबटेंड करती है, मतलब दोनों अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। सिमिलरली ये ऐसे भी तो जा सकती है, ये भी दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, तो ये पूरा 90 और इधर 45, तो इसकी जो स्लोप के लिए एंगल लेंगे वो हम 135 पर लेंगे, तो इसकी स्लोप जो होगी वो 1 होगी और इसकी जो स्लोप होगी वो tan 135, सो दैट इज -1, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आएगी y = x और इसकी आएगी y = minus of x, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सबटेंडिंग इक्वल एंगल विद बोथ एक्सेस, देन वी विल से y = plus minus x, y = plus minus x। बात समझ आ गई क्यों ऐसा कर रहे हैं। चलो, तो ये दो बातें हो गई यहाँ पे, है ना, इंटरसेप्टिंग फॉर्म। चलिए आगे आते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड हमारा इंटरसेप्टिंग फॉर्म, ठीक है, ओनली इंटरसेप्टिंग फॉर्म। तो इंटरसेप्टिंग फॉर्म लाइन क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टिंग फॉर्म, ठीक है। मतलब ऐसे ये मेरे पास लेंथ ये हो गई, ये मेरे पास b हो गई, तो ये क्या हो गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, क्लियर है। अब अगर हमने क्या किया, इसी एक्सिस पर, इसी लाइन पर हमने चलो ऐसे बात कर लेते हैं, ये नंबर फोर्थ हो गया, नंबर फिफ्थ पर आते हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर फॉर्म लंब रूप। क्या होता है परपेंडिकुलर फॉर्म, तो अगर परपेंडिकुलर फॉर्म की बात करेंगे तो ये सपोज दैट एक लाइन है, हमने ओरिजिन से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, इसकी लेंथ को हमने बोल दिया सपोज दैट डी, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर ने एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल सब्सटेंड किया, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x cos alpha plus y sin alpha equals to d, ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग फॉर्म, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। चल नाउ, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वन पॉइंट फॉर्म की, कौन से फॉर्म की, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो अगर सिर्फ एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की हमको इक्वेशन चाहिए, तो बेटा सोच के देखो आप कि अगर एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो सपोज है वो पॉइंट ये है ना, तो इससे ये लाइन भी पास हो सकती है, इससे ये लाइन भी पास हो सकती है, इससे ये, तो ऐसे तो इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन हो जाएगी। अब अगर इनफाइनाइट लाइन है तो डेफिनेटली इनफाइनाइट इक्वेशंस भी होंगी, तो हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो वन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकालने के लिए हमको जो चाहिए होगा वो 100% एक्स के साथ में एक डेफिनेट स्लोप चाहिए होगी, है ना। अगर उस लाइन की स्लोप हमने फिक्स कर दी, है ना, कांस्टेंट कर दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो लाइन की इक्वेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएगी। तो हाँ, हमको क्या करना है, वन पॉइंट फॉर्म के लिए मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया हमारे पास वन पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर जो m लेंगे वो कितना लेंगे, tan अल्फा या tan फाई के बराबर होगा, है ना। अगर यही लाइन टू पॉइंट से पास हो रही है तो इक्वेशन तो यही रहेगी y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, बट टू पॉइंट की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 एंड हियर y माइनस y1। तो ये जो इक्वेशन आ गई ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया हमारा वन पॉइंट फॉर्म, ये हो गया टू पॉइंट फॉर्म,
इसी में जो बेस्ट इक्वेशन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा इन दोनों का चाहे तो हम एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, जब आप डीपीपी डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे पास, हमने पूरी सीट को डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारे पास है बेस्ड ऑन वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फिर सेकंड सेगमेंट जो हमारे पास आएगा इसमें टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन है, फिर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन, ये आएगा पूरा। थर्ड हमारे पास सेगमेंट है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इन सब में क्वेश्चन हमारे पास। एंड फिर फोर्थ बेटा सेगमेंट आपका है कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन, एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन पैडल पॉइंट एंड इमेज ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो हम सेगमेंट वाइज सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारा क्या है, बेस्ड ऑन वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कह रहा है उस पॉइंट की उस लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे है तो थोड़ा दूसरा, लेकिन इस क्वेश्चन को चूंकि ये कंसेप्ट हमको समझना है तो मैं इसको यहीं तक लूंगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक अदर कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो सपोज दैट 1, 2 से पास होता है एंड अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, वाई माइनस वाई वन तो इक्वल टू एम, एम कितना हो जाएगा टेन 30 है ना, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो हो जाएगा वाई माइनस टू इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स माइनस वन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट कंसेप्ट को अगर हमें समझना है तो थोड़ा ध्यान समझो। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास हो रहा है P, ठीक है, सपोज दैट अल्फा कॉमा बीटा से, ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन ले लेते हैं, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा आपके लिए, और किसी एक अदर लाइन के साथ में अल्फा एंगल बनाता है और इस अदर लाइन की इक्वेशन है सपोज है मेरे पास y = mx + c, तो इस लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड सबट्रैक्टिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन y = mx + c, क्लियर। चलो तो इसके लिए डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, y - y1 इक्वल m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस m into tan alpha and multiplied by x minus x, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन था वो हमारा यही था, कह रहे उस लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2, तो ये वाला पॉइंट क्या है 3, -2 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, विद द लाइन y = -√3x -√3x एंड -1 +1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं यहां पर, सो y - y1 तो y +2 इक्वल m, m कितना है -√3 प्लस, अब देखो यहां पर अगर एंगल बेटा आपका एक्यूट है देन वी विल टेक प्लस साइन एंड इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज देन वी विल टेक माइनस साइन, ठीक है, और उसके करेस्पॉन्डिंग यहां पे ले लेंगे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। मतलब अगर एंगल एक्यूट है तो बेटा वी विल टेक प्लस साइन अदरवाइज माइनस साइन, क्लियर। तो यहां पर तो 60 डिग्री है दैट इज एक्यूट एंगल, तो हमने क्या लिया है पॉजिटिव साइन लिया, तो ये हो गया √3 और यहां पर हो गया tan 60 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, m -√3 इनटू tan 60 एंड x माइनस एक्स वन दैट इज 3, सोच के देखो ये सीधे सीधे कैंसिल होगा बिकॉज tan 60 √3, तो ये पूरा कैंसिल हो, तो ऊपर हो गया 0 थे पूरी वैल्यू हो गई 0, तो इक्वेशन आ गई y + 2 = 0, ठीक है। अब माइनस लेंगे अगर इस वाले एंगल के लिए 120 डिग्री के लिए, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो सेकंड वाली हो जाएगी। तो हमारे पास चार ऑप्शन थे, हमारे पास पहला था y + 2 = 0 √3 माइनस मतलब इसी में, दूसरा था तो जिसमें y + 2 = 0 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा इसका एक अदर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, सोच के देखो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि चार ऑप्शन होंगे तो इसी लाइन की इक्वेशन होगी, तो उन चारों ऑप्शन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, जिस लाइन पर भी सेटिस्फाई हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बट समटाइम क्या होता है जैसे इसमें हर एक ऑप्शन में दो दो इक्वेशन गिवन है,
हो सकता था कि यहाँ पर y plus 2 equal 0 लिखा होता, हो सकता है किसी अदर लाइन में भी y plus 2 equal 0 लिखा होता और सेकंड वाली लाइन चेंज होती, ठीक है। तो फिर उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कि सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या आ रही, या फिर हम क्या करें उस पॉइंट को उस दोनों लाइनों पे भी रखें और सेटिस्फाई करा दें। अगर दोनों पर सेटिस्फाई होगा देन वी विल से कि हाँ ये करेक्ट है, बात समझ आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है हमने उसी को चारों ऑप्शन में रख के देख लिया, ठीक है, जिस पर सेटिस्फाई हो गया वही हमारा करेक्ट आंसर था। जैसे इसमें था हमारे पास पॉइंट कितना था 3, -2, चारों ऑप्शन रखते तो इसमें -2 + 2 = 0, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट हो गया, बात समझ आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हो गई एक पॉइंट से पास होने वाली, दो पॉइंट से पास होने वाली एंड पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड सबटेंडिंग एन एंगल विद द अदर लाइन, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, सपोज दैट उस लाइन की इक्वेशन बताए जो किसी अदर लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन थी हमारे पास ax + by + c = 0 और इस लाइन की इक्वेशन है जो इसके पैरेलल, तो एक बार बताओ पैरेलल लाइन तो इनफाइनाइट होगी, तो डेफिनेटली फिर बोलेंगे कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास बेसिक प्रोसेस है वो क्या होता है कि इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है ax + by एंड + लैम्डा = 0, फिर इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड पैरेलल टू लाइन y = 3x - 1, y = 3x - 1 इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और किस पॉइंट से पास हो रहा है 3, -4 से, ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला है 4x + 3y = 24, दूसरा है नहीं ऑप्शन है हमारे पास 12 नंबर में y + 2 = x + 1, सेकंड है हमारे पास y + 2 = 3x + 1, थर्ड है हमारे पास y - 2 = 3x - 1 एंड फोर्थ है हमारे पास 3 y - 1 = x + 1। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड में आएंगे, तो y माइनस वाई सबसे पहले इस लाइन की हमें निकालनी है, तो इसको हमने लिख लिया 3x - y - 1 = 0। अब इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 3x - y - λ - λ, ठीक है। अब इसको हमने पास करा दिया किस पॉइंट से, वो पॉइंट हमारे पास है 3, -4, तो यहाँ पर हमने 3 रखा है, यहाँ -4 रखे थे, प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9, 4, 13, तो लेमडा विल बी 13, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 13 आ गई तो इसको हमने इसी लाइन पर रख दिया, तो आगे हमारे पास 3x - y + -13 = 0। क्वेश्चन ये था पासेस थ्रू रेज वाई फॉर दैट, बट यहाँ पर पॉइंट जो हमारे पास है वो 1, 2 है, पॉइंट क्या है 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 1, 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा, तो लैम्डा विल बी 1, लैम्डा विल बी 1, सो 3x - y - 1 = 0, सो y = आ जाएगा 3x - 1, तो अगर इसको देखें ध्यान से तो ये जाकर के 3x - 1 ही बनेगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा सेकेंड ऑप्शन क्या था कि जो लाइन है चार ऑप्शन ये इसी पॉइंट से पास हो रहे होंगे, तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो 1, 2 रखो, यहां पर 2, यहां पर 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ये इनकरेक्ट हो गया, यहां पर रखो 2 तो ये 2, 2, 4 और यहां पर 1, 1 ये 6 हो गया, ऑपोजिट मतलब ये 1, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब 2, 2, 4 हो गया और यहां पर 1 रखा 6 आ गया, ठीक है। इसमें रखो y - 2 तो y2 - 2 = 0 और इधर हमने 1 रखा 0, 0, हाँ ये सही हो रहा है, ये ऑप्शन से हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ओके आई थिंक ये हाँ ओके ओके डन डन। यहाँ पे प्लस लैम्डा होगा तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो ये अगर -1 हो जाएगा तो उस केस में y = 3x
प्लस वन। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा वन, सो माइनस ऑफ लैम्डा था, ठीक है, तो ये बचा थ्री और ये बचा टू, वन लैम्डा इक्वल वन आ गया ना बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो बेटा ये हो गया प्लस वन, है ना, तो ये आ रहे थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं करेक्ट होगा, यही वाला करेक्ट, ठीक है, वो हमने कैलकुलेशन में थोड़ा माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वाई कुछ थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, चलो ओके। नाउ ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है और किसी अदर लाइन के वो परपेंडिकुलर है और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब ये लाइन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा से पास होता है, अगर इसकी इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल जीरो, और फिर इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू से पुट कर देंगे, इज दैट क्लियर, चलिए नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सीट में आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या 11 नंबर क्वेश्चन में 3x plus 4y equals to 5, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है और पास कहां से हो रही है 3 कॉमा माइनस 4 से, ठीक है, तो अब हमने क्या किया इस पॉइंट, अब देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 4x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू लैम्डा, इस पॉइंट पे इसे रख दिया हमने तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू 24, लैम्डा इक्वल्स टू 24, ठीक है, तो इक्वेशन आ गया मेरे पास 4x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 24, ठीक है, तो इस तरीके निकाल सकते हैं या फिर एक अदर काम कर सकते थे जो हमारे पास फोर ऑप्शन थे ए बी सी डी, ठीक है, तो इस पॉइंट को इन चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई करा देंगे, जिस पर सेटिस्फाई हो जाएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, बात समझ आ गई, चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया किसका, वेरियस इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, इतने टाइप के वेरियस इक्वेशन है जो आपको समझनी है, ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था डीपीपी जो हम आपको दे रहे हैं उसमें पहला पार्ट ये जो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर के या तो आप लिख दीजिए या फिर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने और जो भी नहीं आएंगे तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल है आप उसमें जाकर के मेल कर सकते हैं, ठीक है।